कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में इन दिनों सियासी भूचाल आया हुआ है। एचडी कुमार स्वामी की सरकार खतरे में है। शनिवार को कांग्रेस के 10 और जेडीएस के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी अमेरिका में थे, उनके आने की अटकलें लगने लगी और वो जल्दी जल्दी में आए भी। ऐसी उम्मीद थी कि अपने बागी विधायकों को मना लेंगे, मगर हुआ नहीं। कल रात उन्होंने सभी बागी विधायकों को मंत्री पद का ऑफर भी दिया, लेकिन जानकारी के मुताबिक सभी मंत्रियों ने ठुकरा दिया। आज का दिन काफ़ी अहम रहा। एक निर्दलीय प्रत्याशी और राज्य में मंत्री एच नागेश ने भी इस्तीफा दे दिया और भाजपा को खुले तौर पर समर्थन की बात कह डाली। इस बीच भाजपा कर्नाटक में सरकार बनाने की तमाम उम्मीदें, प्रयास, दावे, हालांकि भाजपा नेता कोई कुछ कह नहीं रहे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा सरकार वहां बहुमत में आ जाएगी। कर्नाटक का मुद्दा आज लोकसभा में भी उठा। कांग्रेस नेता अधीर राज रंजन चौधरी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह विधायकों के साथ खरीद फरोख्त के खेल खेल रही है। इस बात का जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कर्नाटक में हो रही इस्तीफे से हमारा कोई लेना देना नहीं, वहाँ जो हो रहा है उसके देन राहुल गांधी हैं, उन्होंने ही ट्रेंड सेट किया था इस्तीफा देने का और कांग्रेस आज उसका खेल भुगत रही है। 13 माह पहले सत्ता में आई कुमार स्वामी की सरकार टिकेगी या नहीं, इस बात का पूरा फैसला कल होगा। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा आएंगे और बागी विधायकों का इस्तीफा स्वीकार करेंगे या नहीं और उसके बाद का क्या रुख होगा, उसके लिए मंगलवार तक का इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल क्या है सियासी गणित, इस रिपोर्ट में देखिए। शनिवार को 13 विधायक और सोमवार को एक निर्दलीय विधायक के इस्तीफे से 13 माह पुरानी एचडी कुमार स्वामी की गठबंधन सरकार गहरे संकट में है। बागी विधायकों का इस्तीफा मंजूर हुआ तो 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा की स्ट्रेंथ घटकर 210 हो जाएगी। कांग्रेस जेडीएस सरकार के पास 118 विधायकों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन अब तक 14 लोगों के इस्तीफे के बाद गठबंधन के पास कुल 104 का ही समर्थन है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास 105 विधायक हैं और नागेश के समर्थन से उसका आंकड़ा 106 होगा, के अनुसार सरकार गठन के लिए जरूरी है। कर्नाटक में आई इस राजनीतिक संकट की शुरुआत 15 मई 2018 को ही हो गई थी। राज्य विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटें जीती और बहुमत से मात्र 9 सीट दूर रह गई। कांग्रेस को 80 सीटें और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। 17 मई 2018 को बीजेपी के नेता बीएस येदियुरप्पा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बीएस येदियुरप्पा बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा नहीं जुटा सके और 19 मई 2018 को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर राज्य में गठबंधन की सरकार बनाई। जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी मुख्यमंत्री बने। उधर कांग्रेस की ओर से जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री बने। इस गठबंधन से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया नाराज हो गए और उन्होंने राहुल गांधी को इस गठबंधन को तोड़ने की सलाह दी। सिद्धारमैया की सलाह को राहुल गांधी ने नहीं माना। इस बीच ऐसी अटकलें हैं कि सरकार पर आए संकट को थामने के लिए सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस के जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है उनमें ज़्यादातर सिद्धारमैया के समर्थक हैं। उधर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे संकट के पीछे सिद्धारमैया का ही हाथ है। उनकी कुमार स्वामी से निजी दुश्मनी है और उन्होंने कई बार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से इस गठबंधन को तोड़ने के लिए कहा है। हालांकि सिद्धारमैया के नाम पर जेडीएस तैयार होगा या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। उधर सिद्धारमैया ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ऑपरेशन कमल के तहत कर्नाटक सरकार को गिराना चाहता है। कर्नाटक में पल पल हालात बदल रहे हैं। राजनीतिक सियासी तूफान अपने चरम पर है। मंगलवार को यह फैसला होगा कि कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। क्या कुछ होता है, जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ।